हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज का वीडियो किचन डीप क्लीनिंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने शेयर किया है किचन अप्लायंसेस को क्लीन करने का मेथड बहुत ही सिंपल तरीके से। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आप अपने किचन अप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ओवरऑल क्लीनिंग जो भी मेरी बस्ती है वो सारी, और एक फाइनल लुक जो किचन का आएगा। होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किचन अप्लायंसेस क्लीन करने के बाद बारी आती है किचन कैबिनेट्स को क्लीन करने की। तो किचन कैबिनेट्स को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अंदर से क्लीन करने से ये होता है कि आपका जो भी सामान ख़त्म हो गया है या बहुत टाइम से पड़ा है वो आप चेक कर लेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये कब तक ख़त्म करना है। और एक बार अच्छे से सारा वाइप भी हो जाता है और आप उसको रीअरेंज करते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है आपको अपने सामान को सर्च करने में। क्योंकि दिवाली साल भर में एक ऐसा टाइम है जब सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान खाली कर लिया है सेल्फ से और अब इसे एक गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है और वही विनेगर वाला सोल्यूशन मैंने इस पर अप्लाई किया था। अगर हल्के दाग हैं तो उसको निकालने के लिए और जितने भी बॉक्सेस निकले हैं उनको अच्छे से वाइप करने के बाद मैं इनको रीअरेंज करूँगी। यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा दिया है नीचे ताकि जो भी गंदगी आए वो इसके ऊपर गिरे और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे क्लीन करूँ तो जस्ट पेपर चेंज करके इसे वाइप करके क्लीन कर सकें। तो इस तरह से ये स्टैकेबल बॉक्सेस हैं तो एक के ऊपर अच्छे से स्टैक हो जाते हैं और बहुत कम जगह में ये पल्सेस सारी मेरी अरेंज हो गई हैं। इसी तरह हम बाकी की सेल्फ को भी क्लीन करेंगे। यहाँ पर सिलिका जेल मैं ज़रूर रखती हूँ हर सेल्फ में ताकि मॉइस्चर नहीं आए यहाँ पे। चिमनी मैंने ऑलरेडी क्लीन कर ली थी तो यहाँ पर फिल्टर एकदम क्लीन हो गए हैं तो इन्हें भी लगा देते हैं। तो अब ये यूज़ करने के लिए एकदम ठीक हैं क्योंकि गीले होते हैं उस टाइम पे इन्हें लगाना ठीक नहीं रहता और ना ही आप इसे प्लग करें जब तक अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और अब इतनी सारी क्लीनिंग के बाद सिंक की बहुत बुरी हालत हो गई है तो मैंने यहाँ पर एक बोल में लिया है विनेगर, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है और इस सोल्यूशन में मैं डाल रही हूँ ये जाली जो हम यहाँ पर सिंक में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही गंदी हो जाती है कई बार और इसमें काफ़ी सारा फूड पार्टिकल भी रहता है तो इस तरह से वो एकदम क्लीन हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने ड्रेनेज पाइप में डाल दिया है और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। ड्रेनेज पाइप में मैंने थोड़ा सा विनेगर भी ऐड किया है, इस तरह पूरी पाइप में जाते हुए वो रिएक्ट भी करेगा और अच्छे से पाइप को क्लीन भी कर देगा। तो यहाँ पर बाकी पोर्शन में भी हम बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर से हम स्प्रे करेंगे विनेगर का। और अब एक स्क्रबर लेके जिसमें हल्का सा मैंने सोप लिया है इसको अच्छे से स्क्रब कर देंगे एक बार और इसको अभी वॉश नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए या जब तक कि अब बाकी और क्लीनिंग बाकी है जो मेरी वो मैं करूँगी। साथ में टाइल्स को भी मैंने इसी तरह से स्क्रब कर दिया है सेम स्क्रबर से। तो ये एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ये आपस में रिएक्ट करेंगी और जो भी डर्ट या फिर ग्रीस या फिर वाटर स्टेन है वो लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मुझे 1 घंटा लगने वाला है पूरी क्लीनिंग में तो तब तक ये सब ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी इसको और लास्ट में इसे क्लीन करूंगी। तो ये जो टैप हैं सारी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से कवर कर लेंगे इस सोल्यूशन के साथ में। टाइल्स जितनी भी मेरी बाकी बची हैं सबको मैं इसी तरह स्क्रब कर दूंगी और इसे छोड़ दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ स्विचेस को। स्विचेस को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं एसीटोन का यूज़ कर रही हूँ। आप नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर एसीटोन आपके पास नहीं है, वो भी सेम ही सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर वाइप कर लेंगे इससे और बहुत आसानी से ये डर्ट निकलती चली जाती है। आप देख सकते हैं इसको वाइप करते ही ये एकदम क्लीन हो जाता है। और स्विचेस को ऑफ़ कर लें जिस टाइम आप ये काम कर रहे हैं, सारे प्लग को हटा दें। और प्लग भी बहुत बार ग्रीसी हो जाते हैं, ये चिमनी का प्लग है और बिल्कुल ब्लैक हो गया था तो इसे भी इससे वाइप कर लें तो एकदम क्लीन हो जाएगा। और इन प्लग्स को जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते इन्हें लगाएं नहीं, इन्हें ऐसे ही रख दें ड्राई होने के लिए। तो जब तक आप किचन में काम कर रहे हैं कोई भी अप्लायंस का प्लग नहीं करें। थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किचन में काम करते हुए।
और अब मैं किचन कैबिनेट्स को बाहर से क्लीन करूँगी। तो ये मेरा डस्टिंग स्प्रे है, इसमें मैं थोड़ा सा और विनेगर डाल रही हूँ। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस डस्टिंग स्प्रे में मैंने एसेंशियल ऑयल भी डाला है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू उसमें रहती है। तो यहाँ पर जस्ट एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लेके हमें इसको इस तरह से वाइप करना है, और यहाँ पे एस शेप में वाइप करें जब भी आप करें, या अप टू डाउन करें, क्योंकि जब भी आप क्लीन करते हैं तो अगर आप एस शेप में करते हैं तो आप कभी भी एक जगह को दोबारा से उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, तो एक जगह की डस्ट दूसरी जगह नहीं आती है। ये सबसे ईजी तरीका है क्लीनिंग करने के लिए, इससे आपका टाइम भी बचता है और क्लीनिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो मैं बाहर और अंदर दोनों तरफ से इस तरह से ये जितने भी जगह हैं इन्हें क्लीन कर लूँगी। अंदर से मैं ऑलरेडी पहले भी क्लीन कर चुकी हूँ ये सारे कैबिनेट्स, तो जितना भी बाकी एरिया है वो मैं आज क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये क्लीन कर दिया है। ये बैक साइड के कैबिनेट्स हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लीन होती रहती हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। ये वाइट कलर की हैं, कैमरे में आपको क्लीन नहीं दिखेगा लेकिन जब इन्हें वाइप करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी इससे निकलती है, क्योंकि ग्रीस जो होती है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाती है, हाथों के निशान वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है यहाँ पर भी मैंने इसी तरह स्प्रे किया है, और पहले जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसे मैंने वाइप किया है और उसके बाद ग्लास को किया है। और ग्लास को भी आप उसी तरह से एट बनाते हुए या एस बनाते हुए क्लीन करें, ताकि आप एक जगह को एक बार में क्लीन कर लें। और जो आप टॉवल यूज़ करें या क्लोथ यूज़ करें उसको आप पलट लें जिस तरफ से आप एक बार वाइप करते हैं, क्योंकि वो डस्ट वहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएगी। और हमेशा ऊपर की कैबिनेट को पहले करें, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिरता है तो नीचे वाली कैबिनेट को आप उसके बाद क्लीन कर रहे हैं तो वो साथ के साथ क्लीन होता चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये साइड की जो कैबिनेट्स हैं उनको भी मैं इसी तरह क्लीन कर रही हूँ। ग्लास को ज़रूरत है तो आप अंदर की तरफ से भी इस तरह कर सकते हैं। और अब ये एकदम क्लीन हो गया है, और आपने देखा बहुत ही कम टाइम में क्लीन हो जाता है। और ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे भी करते रहें, तो डीप क्लीनिंग के टाइम पर ये काम ज़्यादा नहीं रहता है, जस्ट आपको हर एरिया कवर करना होता है डीप क्लीनिंग में, तो बस ये टाइम कम लेता है। बट यस, जो भी क्लीनिंग है वो फास्ट हो जाती है इस तरह से, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो इस तरह से ऊपर की सारी कैबिनेट्स मैंने क्लीन कर ली हैं, और उसके बाद नंबर आता है नीचे की कैबिनेट्स का, वो भी क्लीन करने के बाद सिंक का नंबर है। तो यहाँ पर जो हमने जाली रखी थी डिप करके वो क्लीन हो चुकी है अच्छे से, तो उसे मैंने वॉश कर लिया है, और ये जो विनेगर सोल्यूशन है इसे मैंने सिंक में फैला दिया है। और आप देखेंगे बेकिंग सोडा के रिएक्शन करते ही ये कितने बबल्स इसमें आने लगे हैं, तो जस्ट एक वाइप करना है, और उसके बाद इसे एक कपड़े से और गीला कपड़ा लें, और उससे पहले जो बेकिंग सोडा है उसको अच्छे से वाइप कर लें सारी जगह से जहाँ जहाँ आपने उसे यूज़ किया है। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो सबसे पहले एक गीले कपड़े से अच्छे से जितना भी बेकिंग सोडा है उसे वाइप कर लें, और जब सारी जगह क्लीन हो जाए फिर चाहे आप पानी से उसे एक बार क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पर अब मैंने ये बेकिंग सोडा जो जितना भी था सारा क्लीन कर लिया है, और उसके बाद अब पानी इसमें डाल रही हूँ, तो अब बहुत ज़्यादा गंदगी जो होती है वो नहीं रहती क्योंकि सारी वाइप हो चुकी होती है, तो जस्ट आपको पानी को ही हटाना होता है। और यहाँ पे ड्रेनेज पाइप के लिए जो भी हमने विनेगर और बेकिंग सोडा डाला था वो अच्छे से रिएक्ट कर चुका है इतनी देर में, अब मैंने इसमें डाल दिया है गर्म पानी जिससे सारा ड्रेनेज पाइप क्लीन हो जाएगा और एक अच्छी सी स्मेल इसमें आने लगेगी। जब आप पानी गर्म करें तो उसमें लेमन पील डाल दें या फिर टी ट्री ऑयल डाल दें या कोई एसेंशियल ऑयल डाल दें, तो जब आप पानी इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छे से वो फ्रेश फील होगा और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी पूरी किचन में, और सिंक भी क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा सिंक और प्लेटफॉर्म वाइप करने के बाद टैप को भी अच्छे से बंद कर देंगे, और यहाँ पर ये जाली लगा दी है। और अब लेंगे एक सूखा कपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम लोग गीला छोड़ देते हैं तो जो हार्ड वाटर के स्टेन है वो दोबारा से सिंक पर आ जाते हैं और वो उतना क्लीन नहीं रहता। तो जब आप क्लीनिंग करें और अच्छे से वाइप कर लें उसके बाद एक ड्राई क्लोथ से ज़रूर क्लीन करें, 5 मिनट और लगते हैं बट बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। और अब लास्ट है फ्लोर की बारी, तो फ्लोर के लिए मैंने फ्लोर क्लीनर बनाया है जिसमें कैम्फर और एलम का यूज़ किया है,
और टी ट्री ऑयल उसमें डाला है, तो बहुत अच्छी स्मेल इस क्लीनर की है। बस इसी से मैं इसको पूरे फ्लोर को क्लीन कर लूँगी। मैंने ये जस्ट यहाँ पे फैला दिया है और इसको वाइप कर लूँगी इस मैजिक मॉप की हेल्प से। ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है जब आपको खुद से सफाई करनी हो, तो इस तरह से ये फ्लोर भी एकदम क्लीन हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू कैम्फर की आ रही है। इस तरह से कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो किचन में एंटर नहीं करेंगे। और इस तरह से पूरी किचन क्लीन हो गई है मेरी। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी है क्योंकि दिवाली है तो थोड़ा सा चेंज तो लगना चाहिए, और किचन में ही मैंने सबसे पहले लाइटिंग की है। तो इस तरह से किचन में लाइटिंग करने के बाद, और यहाँ पर है गणेश जी का एक फ्रेम मैंने लगा दिया है जिसमें लिखा है वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा। तो इस तरह से ये किचन में थोड़ा सा चेंज किया है। बैक साइड में जो कैबिनेट्स हैं सारी क्लीन हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, और ये पोर्शन मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक बास्केट रखी है, उसमें वाटर बॉटल्स हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पर रहती हैं। ये एक सीक्रेट बॉक्स है जिसमें कैंडीज़ रखी हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर रहता है। और एक ये जार है जिसमें सॉस पाउचेस और पिज़्ज़ा पास्ता की सीजनिंग एक्स्ट्रा आ जाती हैं वो हैं। और ये है आंवला सुपारी, और ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई है और इसका वीडियो मैं जल्द ही शेयर करूंगी। साथ में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है, थोड़े से अखरोट फ्रूट्स की बास्केट है, और ये क्लीनिंग एरिया ऊपर यहाँ पे आरओ है। और इस जगह पे थोड़ी सी सीलन आ गई थी तो मैंने यहाँ पर ये लकड़ी लगा के इसको कलर कर दिया है, और ऊपर से यहाँ पर एक ये चिली का जो आर्टिफिशियल बेल है वो लगा दी है ताकि थोड़ा सा लाइवली लगे ये एरिया। और ये यहाँ पर ब्रश रखे हैं, क्लीनर रखा है, और इस तरफ ये है मनी प्लांट जो थोड़ा सा ग्रीन बनाते हैं इस एरिया को। कोई हर्बल गार्डन तो मैं किचन में नहीं बना सकती, तो जस्ट इन्हीं से काम चला रही हूँ। और यहाँ पर ये है मेरा मसाला डिब्बा, अचार की बरनी, तो इस तरह से फ्रंट साइड है। मैं ऑलरेडी किचन टूर शेयर कर चुकी हूँ तो इतना ज़्यादा बहुत चेंज नहीं है। अंदर से भी मैं आपको अच्छे से दिखा चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, जस्ट क्लीनिंग की है। और सारे अप्लाइंसेस अभी मैंने अनप्लग किए हुए हैं, कोई भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर ये एक ऐड हुआ है मेरी किचन में अवन, ये मैंने उषा का न्यू परचेस किया है तो इसके लिए ये स्पेस है। और इसके ऊपर मैंने कुछ ये रोल्स वगैरह रखे हैं। ये बॉक्स मैंने खुद से डीआईवाई किया है और बहुत सिंपल है इसको बनाना, तो ये बहुत काम आता है यहाँ पर। यहाँ पर सारे रोल्स हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा किचन में यूज़ होती हैं तो पास में रखा है इसे, तो उस तरह से अवन के ऊपर ये रखा है। साइड में ये एक की होल्डर है जो इस तरह से कवर हो जाता है। और ये लाइट अरेंजमेंट मैंने आज ही किया है। एक एप्रन यहाँ पे है, और इस कैबिनेट में मैं अपना टोस्टर सारी चीज़ें रखती हूँ जो एक्स्ट्रा अप्लायंसेस होते हैं। और ये एक लेडर जिसने पूरी सफाई में मेरा बहुत साथ दिया, तो बिग थैंक्स उसे भी। और इस तरह से क्लीनिंग कम्प्लीट होती है तो हल्का सा किचन को महका देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेग्रेंस वाली कैंडल ली है जो जैस्मिन फ्लेवर में है, तो इसे बस चला देंगे और किचन में अच्छी सी एक महक आ जाएगी। तो इसे मैं साइड की विंडो पर लगा दूंगी यहाँ पे, और थोड़ी सी फेस्टिव फील भी इससे आ जाएगी। तो इस तरह से ये कैंडल यहाँ पे सेट हो गई है और किचन भी ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। तो आप किचन में जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, सारी क्लीन है, ऑर्गेनाइज है। और लाइट आपको नाइट व्यू दिखा देती हूँ, इस तरह से लग रहा है। और अभी पूरे घर में कहीं भी लाइटिंग नहीं हुई है, जस्ट किचन में ही फर्स्ट ये हो रही है और किचन से ही मेरी क्लीनिंग शुरू हुई है। तो अभी बाकी है काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। शाम के बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो अब डिनर बनाने की तैयारी है। और इस तरह से ये क्लीन किचन है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है किचन में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, इतनी मेहनत की है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।